पश्मीना नेचुरली। पीएनजी ज्वेलर्स। 7 जनवरी 1789 को अमेरिका में पहली बार चुनाव हुए थे। इस चुनाव की खास बात यह थी कि चुनाव में वोट डालने का अधिकार उसे ही मिला था जिसके पास संपत्ति थी। पहले चुनाव में जॉर्ज वॉशिंगटन को जीत हासिल हुई थी। उन्होंने 30 अप्रैल 1789 को अमेरिका के पहले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी। 7 जनवरी 1990 में पीसा की झुकी मीनार को पहली बार पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था। मीनार को गिरने के खतरे की वजह से बंद किया गया था, जिसके बाद 2001 में इसे दोबारा से पर्यटकों के लिए खोला गया था। 11 वर्ष की मेहनत और $27 मिलियन के खर्च के बाद इसे दोबारा खोला गया था। बात करें पीसा के इस मीनार की इतिहास की, तो यह मीनार इटली के पीसा में स्थित है। पीसा की इस मीनार को लीनिंग टावर ऑफ पीसा भी कहा जाता है। इस मीनार को लेकर माना जाता है कि अपने अक्ष से 5 डिग्री के कोण पर झुकाव के बाद भी यह मीनार एकदम सही सलामत खड़ी है। इसने कई शक्तिशाली भूकंपों को झेला, लेकिन कभी क्षतिग्रस्त नहीं हुई। बताया जाता है कि इस मीनार का निर्माण 1173 में शुरू हुआ था और 200 वर्षों तक यह काम चला था। पीसा की झुकी मीनार को डिजाइन करने का श्रेय बोनानो पिसानो को दिया गया है। वाईफाई के जरिए जब आप अपने मोबाइल फोन, टैबलेट या लैपटॉप में हाई स्पीड इंटरनेट का एक्सेस कर पाते हैं, तब क्या आपने सोचा है कि वाईफाई का आविष्कार किसने किया था? हम बताते हैं। अमेरिकी सर्बियाई आविष्कारक निकोला टेस्ला को वाईफाई के जनक के रूप में जाना जाता है। उनका निधन 7 जनवरी 1943 को न्यूयॉर्क में हुआ था। निकोला टेस्ला सदी के उन गिने चुने महान वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने मानव जाति के पूरे इतिहास को ही बदल कर रख दिया। वे गणित के मुश्किल से मुश्किल सवालों को भी अपने मन में ही हल कर लेते थे। निकोला टेस्ला ने अपने जीवन में कई आविष्कार किए, उसमें विद्युत से चलने वाली मोटर, एक्सरे तकनीक, रेडियो, एसी करंट जैसे आविष्कार शामिल हैं। 7 जनवरी 2020 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एक विरोध प्रदर्शन में बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने हिस्सा लिया था। वहां दीपिका ने खुलकर वामपंथी छात्रों का समर्थन किया था। इस दौरान दीपिका ने यहां तक कह दिया था कि उन्हें इस बात से गर्व होता है कि आज लोग बगैर डरे अपनी आवाज उठा रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन में कन्हैया कुमार भी शामिल हुआ था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दीपिका पादुकोण अपनी फिल्म छपाक के प्रमोशन के लिए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने गई थी। ये फिल्म 50 करोड़ रुपए की लागत से बनी थी, लेकिन ये अपनी लागत वसूल करने में भी नाकाम रही। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर महज 55.44 करोड़ रुपए की कमाई की थी। 7 जनवरी 1979 को बॉलीवुड अभिनेत्री बिपाशा बसु का जन्म नई दिल्ली में हुआ था। बिपाशा बसु ने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद 2001 में बिपाशा बसु ने बॉलीवुड में कदम रखा। अक्षय कुमार के साथ फिल्म अजनबी में बिपाशा नजर आई थी, जिसे अब्बास मस्तान ने डायरेक्ट किया था, जिसके बाद 2002 में बिपाशा ने एक और फिल्म की राज, और इसमें उनकी एक्टिंग और बोल्डनेस की खूब चर्चा हुई। फिल्म के डायलॉग से लेकर गाने तक काफी ज्यादा हिट हुए। इस फिल्म को विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट किया था, जिसके बाद बिपाशा ने कई फिल्में की। बिपाशा ने 2015 में करण सिंह ग्रोवर के साथ अलोन मूवी में काम किया था। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली थी। 7 जनवरी 1981 को भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कृष्णन शशिकिरण का जन्म चेन्नई में हुआ था। शशिकिरण ने वर्ष 2000 में राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया था। 2001 में उन्होंने प्रतिष्ठित हैंगस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट जीता था। वहीं शशिकिरण ने 2020-21 में शतरंज का रिल्टन विनर्स कप भी जीता था। उन्होंने इस प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में रूसी ग्रैंड मास्टर को 2-0 से पराजित किया था।